एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म दैट इज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वेयर आपके जो एक्स वन वाई वन जेड वन है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे आपकी जो लाइन है वो पास कर रही है. ए बी सी जो है दे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर जिसके साथ आपको गिवन है कि जो गिवन लाइन की डायरेक्शन गिवन है या गिवन लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे. मोहक म्यूट योर सेल्फ बच्चे. अब अगर मुझे ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज की जगह डायरेक्शन को साइंस गिवन होते हैं देन यहाँ पे ए बी सी को आप रिप्लेस कर दोगे एम एन एल एम एन से. सो दोनों केसेस में यू कैन से कि ऑलमोस्ट सेम है कार्टेशियन फॉर्म इसकी. अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो अपॉन में आप डायरेक्शन रेशियोज ले लोगे, डायरेक्शन को साइंस गिवन है तो अपॉन में आप डायरेक्शन को साइंस ले लोगे. ये है कि पॉइंट ऑन अ लाइन एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन गिवन है. अब सेकेंड इसी में आता है आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है व्हेन यू आर गिवन टू पॉइंट्स ऑन द लाइन. लाइन के ऊपर आपको टू पॉइंट्स गिवन है. तो हम उस केस में क्या करते हैं, एक के पोजीशन, एक जो पॉइंट है उसके पोजीशन वेक्टर्स को ए ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को बी ले लेते हैं. देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म विल बी गिवन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म जब आप लेके चल रहे हो तो आपको पता है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी की फॉर्म में है. और यहाँ पे बी जो है उससे आपको क्या मिलते हैं, जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल होती है उसके डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं. अब जब यहाँ पे हमें टू पॉइंट्स गिवन है तो टू पॉइंट्स से हमें पता है कि उनको ज्वाइन करने वाली लाइन या उसके वेक्टर के हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं. तो इसी से ये आपका बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस की एक पॉइंट जिससे लाइन आपकी पास कर रही है प्लस लैम्डा टाइम्स. अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन रेशियोज लेने हैं वेक्टर या लाइन के तो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय दीज टू पॉइंट्स. हमें पता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग और अ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स हम प्रीवियस चैप्टर में भी कर चुके हैं, मॉर्निंग प्रीवियस पीरियड में भी हमने किया था. दैट इज गिवन बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. तो जब दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमने a एंड b लिए हैं तो दिस विल बी गिवन बाय b माइनस a. तो वेक्टर फॉर्म जो है इसकी आ जाएगी आपकी व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स और उसकी इक्वेशन हमने निकालनी है तो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय R is equal to A plus lambda times B minus A. इसी की अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है. अच्छा, अब एक चीज का और आपने ध्यान रखना है कि जो ये आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे उसमें से फर्स्ट पॉइंट आप कोई भी एक ले सकते हो बट जो यहां लिया है उसी को आप माइनस करोगे. बस ये चीज का आपने ध्यान रखना है. अदरवाइज दोनों में से जिसको मर्जी आप A की फॉर्म में लिख लो, दूसरे को आप B की फॉर्म में लिख लो. यहाँ पे x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. देखो अगेन प्रीवियस वाले से बना है. x माइनस एक्स वन अपॉन द डायरेक्शन रेशियो था तो x माइनस एक्स वन एज इट इज और अपॉन में डायरेक्शन रेशियोज के लिए जब दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आप डिफरेंस ले लेते हो तो दैट गिव्स यू द डायरेक्शन रेशियो. सेम वे में y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. अब ये आपकी मर्जी है जो गिवन पॉइंट्स हैं ए बी सी उनमें से किसको ए और बी जो आपको दो पॉइंट्स गिवन है उसमें से किसको आप एक्स वन वाई वन जेड वन लेना चाहते हो, किसको आप एक्स टू वाई टू जेड टू लेना चाहते हो. अगेन यू आर टू टेक केयर ऑफ द थिंग कि जो यहाँ आप माइनस कर रहे हो तो एक्स वन आपका सेम पॉइंट माइनस हो रहा है, ऊपर एक्स लेना है क्योंकि इक्वेशन में एक्स वाई जेड होगा लाइन की, नीचे क्योंकि आप डायरेक्शन रेशियोज ले रहे हो तो जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनका डिफरेंस आपका आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1. द ओनली थिंग यू आर टू टेक केयर ऑफ इज जो यहाँ आपने फर्स्ट वाला लिया है पॉइंट, यानी कि जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो या जिसको आपने नेम दिया है x1, y1, z1, सेम यहाँ पे माइनस होगा. अगर यहाँ उल्टा कर देते हो तो फिर आपका जो आंसर है वो वेरी करेगा. So this you are to take care of. उसके बाद है just ये results आपको जो है वो use करने हैं, इनके based questions आते हैं आपको, derivations नहीं आती हैं इनकी.
नेक्स्ट है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है. सेम जो है कंसेप्ट है आपका, एंगल बिटवीन द टू लाइंस A1A2 + B1B2 + C1C2 / मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट. क्योंकि यहाँ पे आप दो लाइंस के बीच में एंगल निकाल रहे हो, तो दो लाइंस के बीच में जब आप एंगल लोगे तो दोनों लाइंस के आपके पास डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन को साइंस गिवन होंगे. तो अगर इसके A1 B1 C1 है डायरेक्शन रेशियोज, इसके A2 B2 C2 है डायरेक्शन रेशियोज, तो एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा हम हमेशा एक्यूट एंगल यहाँ से निकालते हैं, तो एंगल थीटा विल बी गिवन बाय A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 cos θ = एंड डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स. तो ये फॉर्मूला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अच्छा, सेम वे में अगर लाइंस जो है वो आपस में आपके, हम कहें कि लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है उनके डायरेक्शन रेशियोज का, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो A1A2 + B1B2 + C1C2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 0. और अगर हम कहें कि लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल कब होंगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन रेशियोज की, आप कहो कि डायरेक्शन रेशियोज की आपस में जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट. सो ये मींस लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. एंड ये है अगर आपके पास, तो इट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस. नाउ अगर आपको गिवन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, देन यू विल गो फॉर दिस. कार्टेशियन फॉर्म में ये आपको इस फॉर्म में गिवन होगा. तो ये जब आपको फॉर्म गिवन होगी तो आप ये वाला कंसेप्ट यूज कर लोगे. एंड इफ यू विल बी गिवन द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है अगर वो आपको एक गिवन है R = A1 + λ × B1 और दूसरा गिवन है R = A2 + λ × B2, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप चेंज कर लोगे वहां पे. यहाँ पे ये वैल्यूज डिफरेंट भी हो सकती हैं आपकी. कार्टेशियन फॉर्म है ये. अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में आपके जो इक्वेशन ऑफ लाइंस होंगी दैट विल बी A1 + λ × B1 एंड A2 + λ × B2. अब क्योंकि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ हर जगह आपको आर ही मिलेगा, R1 R2 नहीं मिलेगा. हेयर इट विल बी ओनली आर, क्योंकि XI + YJ + ZK वाली फॉर्म होती है आपकी. यहाँ ये आपके चेंज हो जाएंगे फॉर डिफरेंशिएटिंग द टू लाइंस. अब यहाँ भी आपने ये ध्यान रखना है, A1 और A2 जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट्स के बीच में आपका एंगल कभी भी नहीं निकलता. तो जब आप कॉस थीटा लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस B1 एंड B2. तो यहाँ ध्यान रखना है आपने, A1 A2 आप नहीं लोगे. हेयर यू विल टेक B1 B2 एंड इनका जो डिवाइड करोगे वो इनके अगेन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे. एंड वन थिंग मोर, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम इनका एक्यूट एंगल निकालते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ B1 डॉट B2 / मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2. तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस. देन यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड का मॉड्यूलस का साइन ले लेंगे, बिकॉज वी आर टू टेक द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस. सो ये हमारा था एंगल बिटवीन द टू लाइंस. उसके बाद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस. अभी तक जो हम 9th 10th 11th में पढ़ते आए हैं, हमने पढ़ा था कि लाइंस या तो पैरेलल होती हैं या फिर इंटरसेक्टिंग होती हैं या कोइंसिडेंट होती हैं. यानी कि अगर हम बात करें तो हमने सेम प्लेन के अंदर जो है लाइंस की स्टडी की है. अब अगर हम प्लेन लेते हैं डिफरेंस, लेट अस सपोज कि मैंने
ये ले लिया। अब यहां पे हम बात करें अगर कि एक मैंने यहां से लाइन पास कर दी और एक मैंने यहां से लाइन पास कर दी। अब अगर आप इसको जो है इफ यू सी दिस, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन रही है क्यूबॉइड की। एक लाइन मैंने ड्रॉ की इस प्लेन पे, ऊपर वाले पे, एक लाइन मैंने यहाँ फ्रंट वाले प्लेन पे ड्रॉ कर दी। इस वाले प्लेन पे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की और इस वाले प्लेन पे जो है मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगी। अब एक लाइन मेरी ये ऊपर जा रही है, एक लाइन जो है मेरी वो इधर दूसरे प्लेन में आ रही है, तो इन लाइंस को मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर लूं, दीज लाइंस विल नेवर मीट। या आप और इजी इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, एक लाइन मैंने इस प्लेन पे ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने इस प्लेन पे ड्रॉ कर दी, तो इन दोनों लाइंस को, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन्स में हैं, मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूं, दे विल नेवर मीट। तो ऐसी लाइंस जो नॉन कोप्लेनर भी हम इन लाइंस को बोलते हैं, ऐसी लाइंस जो नॉन कोप्लेनर है यानी कि सेम प्लेन में लाई नहीं कर रही, दे आर नोन एज द स्क्यू लाइंस। इन लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जो सेम प्लेन में लाई करेंगी तो या वो पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट हो सकती हैं, और दे विल बी इंटरसेक्टिंग। स्क्यू लाइंस, दीज आर द लाइंस इन डिफरेंट प्लेन्स विच विल नीदर बी इंटरसेक्टिंग नॉर बी पैरेलल। ना इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पे, ना आपस में वो पैरेलल होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में हमें पता है जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि सेम पॉइंट से वो पास कर रही होती हैं। और डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वी यूज टू टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। जब हम पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। तो सेम वे में जब हम स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो स्क्यू लाइंस का जो डिस्टेंस है उसके जो है, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दैट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला। अब जब हम इसके डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, फर्स्ट लाइन अगेन हम लाइंस को ले लेंगे। फर्स्ट लाइन हमने ले ली, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन। एंड सेकेंड लाइन मैंने ले ली, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लैम्डा टाइम्स बी टू। अब जब हम इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी गिवन बाय डी, एंड दैट विल बी बी वन क्रॉस बी टू, इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए टू माइनस ए वन एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। और ये हम वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेते हैं बिकॉज जो डिस्टेंस है हमारा दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये हम जो है मॉड्यूलस के साइन में लेंगे। अब यहाँ पे अगेन आप चीज आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं वो अगेन इन वेक्टर्स का ले रहे हैं, तो पॉइंट्स का हम यहाँ पे डिफरेंस लेके उसका पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वन एंड बी टू। और बी वन और बी टू का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसके मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द डिस्टेंस। ये है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। अब जब स्क्यू लाइंस छोड़ के आपको लाइंस इस तरीके से दे दी जाती हैं विच आर पैरेलल, यानी कि वो एक सेम वेक्टर के पैरेलल हैं लाइंस, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस आपकी सेम वेक्टर के पैरेलल हैं तो ये आपका दोनों बी से रिप्रेजेंट होंगे। तो आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन देख के भी पता लग सकता है, अगर ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट मींस लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है। इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम वेक्टर तो इट मींस लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल वाले की बात करते हैं तो उस केस में, क्योंकि हम अगर बी वन क्रॉस बी टू निकालेंगे तो हमारा, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो जब आप इसका इस तरीके से प्रोडक्ट लोगे डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में, तो अगर ये ए बी सी है क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो जो सेकंड वाला होगा उसके जो आपके ये स्केलर कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी लैम्डा ए लैम्डा बी एंड लैम्डा सी। लैम्डा अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेते हो तो ये दो रोज आपकी क्योंकि सेम हो गई, और जब भी दो रोज या दो कॉलम्स आपके सेम हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो, यानी कि जो आपका उनका स्केलर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो वहां से जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया तो आप नहीं कहीं पर ध्यान रहता करते करते, वैसे तो ये चीज आप पहले चेक करो। इन केस अगर
उस केस में आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो यू कैन इजीली सी कि आपको पता लग जाएगा कि जो आपकी लाइंस हैं वो क्या हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल जब हमारी लाइंस होती हैं उस केस में जो हमारा ये हम निकालते हैं डिस्टेंस, वो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, B1 क्रॉस B2 की जगह आप यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था A2 - A1 के साथ, तो उसमें हम क्या करते हैं B का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, B का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद A2 - A1 एंड डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ B, क्योंकि वेक्टर B दोनों केसेस में सेम है, तो दिस विल बी B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। सो ये आपका फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब एक चीज का और आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो B1 क्रॉस B2 और A2 - A1 ये आप आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे नो डाउट हमने मॉड्यूलस लिया हुआ है, यहाँ भी अगर आप आगे पीछे कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस को हमने अल्टीमेटली पॉजिटिव लेके चलना है। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे जितने भी फॉर्मूले थे यहाँ हमारे यूज होने थे दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 11.2। सो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, बस इतना आपने ध्यान रखना है, बाकी सेम कंसेप्ट आपका प्रीवियस चैप्टर वाला है। अगर हमें शो करना है दैट द जो लाइंस हैं आपकी परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपली कंसेप्ट लगाओगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अगर लाइंस को पैरेलल शो करना है तो अगेन उनके जो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन को साइंस हैं दे विल बी प्रोपोर्शनल। एंड अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लाइंस सेम वेक्टर के पैरेलल हैं तो इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, अगर आपको गिवन है कि दैट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू सम गिवन वेक्टर, तो आर इज इक्वल टू A+λB। इफ टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन देन आर इज इक्वल टू A+λ × B - A। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि आर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ए प्लस कर रहे हो तो उसी वाले को आपने यहाँ पे माइनस करना है, इस चीज का आपने ध्यान देना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द थ्री लाइन्स, आपको गिवन है तीन लाइन्स के डायरेक्शन को साइंस, 12/13, -3/13, -4/13 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन को साइंस है, देन 4/13, 12/13, 3/13 सेकेंड वाली लाइन के हैं, 3/13, -4/13, 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, जब डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं, जब आपको डायरेक्शन को साइंस गिवन होते हैं तो LM + MN + NL = 0, 0। सो इनका आपने दो दो करके पेयर लेने हैं और उनका जो है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम इक्वल टू जीरो आप शो करेंगे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में वी आर गिवन जो हमें फर्स्ट वाले डायरेक्शन को साइंस है दैट आर 12/13, -3/13 एंड -4/13। सेकेंड वाले हैं 4, 12 एंड 3 अपॉन में 13 है, एंड द थर्ड वन 3 - 4 एंड 12 अपॉन में 13। अब ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये वाली थर्ड लाइन, तो गिवन लाइंस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये L1 L2 हो गया, ये L3 हो गया, तीन लाइंस हमने L1 L2 L3 से शो कर दी, तो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर इफ अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स का सम इक्वल टू जीरो है। तो दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 भी आप लिख सकते हो अगर ऐसे कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि L1 L2 M1 M2 N1 N2 आपको लेना पड़ेगा। तो अगर ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो
आप A1 A2, B1 B2, C1 C2 भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये इसलिए यूज किया है क्योंकि ये आपके डायरेक्शन को साइंस उन्होंने कहा था गिवन है, तो आई हैव गॉन फॉर L1 L2 M1 M2 N1 N2। डायरेक्शन को साइंस हम हमेशा LMN से क्योंकि डिनोट करते हैं। अब इनका प्रोडक्ट देखो, दिस इज 48 माइनस 36 माइनस 12, तो 48 माइनस 36 माइनस 12 अपॉन में इनका प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल बी 169, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो L1 L2 आ गया हमारे पास 0। देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारे पास आ गया इक्वल टू 0, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इनको कैपिटल से डिनोट कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो लाइन L1 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू L2। सेम वे में अब इनका लो, 4 3 12 माइनस 48 प्लस 36 अपॉन में अगेन 169, दिस इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन 169 इज 0, तो यहां से आ गया L2 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू L3। अब थर्ड वाला हम लेके चलेंगे। थर्ड वाले में अगेन इसको और इसको लेके चलो, 12 3 36 प्लस 12 माइनस 48 अगेन 0 अपॉन 169, तो L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L3। तो हमने तीनों को शो कर दिया क्योंकि उनके डायरेक्शन को साइंस के प्रोडक्ट का सम इक्वल टू 0 आ रहा है, तो द गिवन लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। अब देखो मुझे क्या गिवन है, चार जो है मुझे वर्टिसेस गिवन है। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 -1 2 3 4 -2। इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 एंड 3 5 6। अब इन लाइंस को परपेंडिकुलर शो करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूंगी, फिर डायरेक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम अगर इक्वल टू 0 आ रहा है दे विल बी परपेंडिकुलर, अदरवाइज दे विल नॉट। ए बी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी आ जाएगा आपका B-A, 3 -1 2 5 एंड -4, और इसी तरीके से सी डी आप निकाल लोगे, D-C, तो दैट विल बी 3 2 एंड 4। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम, 3 2 6 5 2 10 -4 × 4 = -16, 16 - 16 इज 0 क्योंकि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ रहा है, इट मीन्स AB जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू CD। तो वही सेम वेक्टर एलजेब्रा वाला कंसेप्ट आपका यूज हो रहा है यहाँ पे, बस यहाँ पे वो वहां वो हमने वेक्टर की फॉर्म में किया था, यहाँ पे हम इसको लाइन की फॉर्म में कर रहे हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी निकाल लिए हमने, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी हमने निकाल लिए। लाइन है तो बेशक आप इसको यहाँ भी मत लिखना, यहाँ ऐसे लिख लो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, या ऊपर आप इस तरीके से सिंबल शो कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यू आर गिवन, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज पैरेलल टू द लाइंस थ्रू द पॉइंट दिस। तो अगेन दिस यू विल डू योर सेल्फ, आप चारों पॉइंट्स को ऐसे ही ए बी सी डी ले लोगे। तो आपने क्या करना है, आपको शो करना है दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आप ए बी के पोजिशन वेक्टर्स निकालना, सी डी के पोजिशन वेक्टर्स निकालना। पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी जो है दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा टाइम्स सी डी, तो इट मीन्स कि जो लाइंस हैं आपस में दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। सिंपली हम शो करेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आप ए बी के पोजीशन डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेना, उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज होंगे दे विल बी प्रोपोर्शनल टू
ईच अदर, तो इट शोज की जो आपकी लाइन्स हैं दे आर पैरेलल. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ से जो मेन है आपके वो शुरू हो रहे हैं. देखो अगर तो आपको गिवन होगा सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो आप उसको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में लिखोगे. अगर वहां पे स्पेसिफिकली मेंशनड है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन या फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फिर आप जो मेंशनड है वो निकाल लोगे. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों हमें लेनी है. दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, यानी कि इस पॉइंट से लाइन पास कर रही है. तो पॉइंट ऑन अ लाइन हमें गिवन है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. इन द डायरेक्शन मतलब उसके पैरेलल है. तो यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट वाला हमने फॉर्मूला दिया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड इन अ गिवन डायरेक्शन, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर फॉर्म में, एंड x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. जो सेकंड वाला था कार्टेशियन फॉर्म आपकी वो लग जाएगी. तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसके फॉर्मूले लर्न है, रिजल्ट्स लर्न है, तो डायरेक्टली आपने वैल्यूज जो है वो पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर. फिर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. पहले कंसेप्ट अपने समझ लो कि ये चीज इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद जब आप उनकी वैल्यूज पुट करोगे तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. हमें उसने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा कि लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. अब लाइन जो है दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पॉइंट हमें गिवन है आई कैप प्लस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट आर गिवन टू मी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. और लाइन इज गिवन इन द डायरेक्शन आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप. I cap plus 2j cap minus k cap, 2i minus j plus 4k. अब मुझे क्या निकालना है? I have to find out the vector equation as well as the Cartesian form equation. तो vector form of the equation, equation of line in vector form, this is given by r is equal to a plus lambda times b. तो वैल्यूज ए की पुट करोगे, बी की पुट करोगे, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. और जब आप इस तरीके से इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालोगे तो वो आर की टर्म्स में ही आपकी लिखी जाएगी. तो आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी आपको गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप. अब सेकेंड इसी में उसने कहा हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वाज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी. अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं एक्स वन वाई वन जेड वन की, वो इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं. तो वो 2, -1 and 1. और जो हम ए बी सी की बात कर रहे हैं दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर, तो 1, 2 and -1. तो सिंपली अगेन वैल्यूज पुट करोगे तो एक्स माइनस, अब यहाँ अगेन ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे प्लस 2 था तो ये वाली वैल्यू आपकी -2 बन जाएगी. तो दिस इज एक्स माइनस 2 अपॉन बी वाला वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट इज 1. सो वाई माइनस वाई वन क्या आएगा यहाँ से -1. तो साइन उल्टा ले लेना है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, पॉजिटिव था तो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में हमारे पास माइनस का साइन है. अपॉन में यहाँ पे क्या है आपका 2, और जेड वाला स्केलर कंपोनेंट इन पॉइंट इज 1 एंड इन द गिवन वेक्टर इज -1. तो दिस इज एक्स माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन -1. अगर ऐसे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स 1 की वैल्यू, जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो लिख लो 2, वाई 1 की वैल्यू -1, जेड 1 की वैल्यू 1, और यहाँ से ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज -1. आपने अब ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो बी है ये डायरेक्शन रेशियो है, और ये जो बी है जिसके ऊपर
ये सिंबल डाला हुआ है मैंने, दिस इज द वेक्टर, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर और ये उसके स्केलर कंपोनेंट यानी कि डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक जो आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट विल बी एक्स माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई प्लस वन बाई टू इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन. इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, आगे फर्दर ये नहीं करना कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको वन माइनस जेड लिख दो, दिस विल बी योर आंसर ओनली. तो आपने इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू टूमोरो. अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ आया तो यू कैन आस्क. अदरवाइज जो मेन है आपका वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, इसके जो भी फॉर्मूले बनते हैं उनको आपने अच्छे से समझ के करना है. देन जो जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में उनमें से कहीं ना कोई फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है. दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन योर फॉर्मूले ओनली. फॉर्मूले अगर अच्छे से आते हैं, रिजल्ट अगर अच्छे से आते हैं तो दिस चैप्टर वॉन्ट बी डिफिकल्ट फॉर यू.